Assalamualaikum Alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Alnur Medical Sector, and welcome to another lecture of electrotherapy. I hope you all are doing well and in the state of good health and Iman. So today we will discuss about the lecture compression, compression uh, devices. Kon gon hot thing contraindications contra indications hai? indications. Hai? क्या आप बेनिफिट्स होते हैं ईच एंड एवरी आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कॉम्प्रेशन इज़ अ रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉम्प्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं वॉल्यूम में रिडक्शन करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन इम्प्रूवस एंड लम्फेटिक सर्कुलेशन लिमिट द साइज एंड शेप ऑफ टिश्यू ये साइज को और शेप ऑफ द टिश्यू को लिमिट करता है यू you नो know कि जैसे ही एम्पोटेशन होती है एम्पोटेशन में क्या होता है कि पार्ट ऑफ़ द लिम रिमूव कर दी जाती है ड्यू टू एनी डिजीज ड्यू टू एनी प्रॉब्लम देन हम कंप्रेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रेजिडुअल लिम है जो बाकी लिम बच गई है उसको हम प्रॉपर शेप दे सके इंडिकेशंस कौन कौन सी कंडीशंस में हम एक्सटर्नल कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमारे पास है एडिमा रिस्ट्रक्शन ऑफ रोम रोम में रिस्ट्रिक्शन है लिमिटेशन ऑफ फंक्शन पेन एडिमा ड्यू टू दिनफिशंसी लिम्फडीमा वेनस, वेनस टेसिस प्रिवेंशन ऑफ डीप वेनस थिम्बोसिस डीवी से प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज कर सकती हैं बट अगर डीवी हो गया है तो देन हम लोग ऑपरेशन डिवाइसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे रेजिडल लिप शेपिंग आफ्टर एम्पोटेशन कंट्रोल ऑफ हाइपर ट्रोफिक स्कारिंग और जब हाइपर ट्रॉफिक स्कारिंग हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल कंप्रेशन बैंडजेस का नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशनस है जिनमें हम लोग कंप्रेशन बैंडजेस का डि का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसमें हमारे पास आता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स और पल्मोनरी एडिमा लंग्स में अजीमा हुआ है रीसेंट और एक्यूट डी वेनस टी डी एंड द लास्ट वन इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन है लम्फेटिक और वेनस रिटर्न में स्वेयर पेरिफल आर्टीरियल डिजीजेज है अल्सर ड्यू टू आर्टीरियल इंसफिशेंसी एक्यूट लोकल स्किन इन्फेक्शन सिग्निफिकेंट हाइप्रो प्रोटीनिमिया प्रोटीनिमिया क्या होता है प्रोटीन लेवल लेस देन टू ग्राम पर डेसी लीटर एक्यूट फ्रैक्चर और अदर ट्रोमा ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन को हमने अप्लाई नहीं करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसके बाद देख लेते हैं कौन सी प्रिकॉशंस कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें हमें कंप्रेशन बैंडेजेस को लगाते हुए प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए तो उनमें है एम्पेयर सेंसेशन और मेंटेशन अनकंट्रोल हाइपर हाइपरटेंशन स्ट्रोक ऑफ सिग्निफिकेंट वेस्कुलर इनसुफिशिएंसी कैंसर सुपरफिशियल पैरिफल नर्व एंड एडवर्स इफ़ेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा टाइटली बांध देंगे कंप्रेशन डिवाइ बैंडेजेस को तो उस जगह पर एडीमा हो सकता है इसकीमिया हो सकता है ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली उस रीजन को और उससे आगे वाले रीजन को नहीं पहुंच पाएगी एडिमा हो सकता है मोनीटर फॉर चेंजेस इन ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी हमने मोनिटर करना है सो so, जब भी हमने कॉम्प्रेशन बैंडेजेस को अप्लाई करना है तो हमने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो बैंडेज है वो हमने बहुत ज्यादा टाइटली ना बांधा हो और उस रीजन पर ब्लड फ़्लो नॉर्मल हो नेक्स्ट देख लेते हैं अप्लीकेशन ऑफ टेक्निक किस तरह से हमने बैंडेज को बांधना है कॉम्प्रेशन बैंडेज इक्विपमेंट रिक्वायड अप्लाई बैंडेज प्रोसीजर आफ Apply the bandage firmly. हमने बैंडेज को फर्मली अप्लाई करना है बट नॉट टाइटली एंड सिक्योर द एंड by फोल्डिंग इट ओवर एंड tying a knot in the knot. और जो उसके लास्ट पर अच्छे तरीके से knot को बांध देना है ताकि जो हमारा बैंडेज है वो easily ना खुल सके यू कैन आल्सो यूज सेफ्टी पिन भी हम यूज कर सकते हैं टेप्स लगा सकते हैं और बैंडेज क्लिप्स को भी यूज कर सकते हैं बैंडेज को बांधने के लिए और लास्ट पे हमने क्या करना है हमने चेक करना है कि बैंडेज जो है वो टाइटली तो नहीं बांधा हुआ तो उसके लिए हम किस तरह से चेक कर सकते हैं सर्कुलेशन को चेक करना है हमने प्रेस करना है फिंगर नेल पर और पीस ऑफ स्किन पर अंटिल टर्न्स पेल लास्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंप्रेशन बैंडेजेस को लगाने के हमारे पास क्या बेनिफिट्स होते हैं तो ये है, क्विक टू अप्लाई, वन स्किल मास्टर, जो स्किल पर्सन है वो क्विकली से अप्लाई कर सकता है रेडीमेड ये अवेलेबल होते हैं आपको तैयार नहीं करने पड़ते हैं सेफ फॉर एक्यूट कंडीशंस, रीसेंट कोई भी प्रॉब्लम इंजरी पेन वगैरह हो तो उसके लिए हम लगा सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इफेक्टिव ओनली फॉर कंट्रोलिंग एडिमा फॉर्मेशंस अडीमा फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए ये इफेक्टिव है रिक्वायर मॉडरेट स्किल फ्लेक्सिबिलिटी हमें एक स्किल भी रिक्वायर होती है कि हमने किस तरह से इसको बांधना है हम ज़्यादा नहा बांधे सो so, स्किल पर्सन होना चाहिए इन इलास्टिक बैंडेज आर इनफेक्टिव इन कंट्रोलिंग अगर तो बैंडेज इलास्टिक सिटी नहीं है उसके अंदर तो हमारे लिए उसको जो है कंट्रोल करना और उसको बांधना इजी नहीं होगा कंप्रेशन गारमेंट्स देखे जाएँ इसके बेनिफिट्स इसके एडवांटेजेस क्या हैं तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं थीन एंड अट्रैक्टिव होती हैं कैन बी यूज 24 आवर्स बाय पर डे पूरा दिन भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रेफर्ड बाय पेशेंट टू कंप्रेशन बैंडेजेस सेफ फॉर एक्यूट कंडीशन डिसएडवांटेजेस क्या हैं मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट